ये क्या वजह है कि दूध की कीमतों में क्यों इतना इजाफा किया जा रहा है? असल में जी अभी तो फिलहाल तो फिलहाल तो कोई इजाफा नहीं किया गया, चंद माह पहले जरूर इजाफा इसमें हुआ था, शायद के फरवरी में। और मैं आपको ये बता दूं कि जो दूध की कीमतें हैं उसका इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, दूध की कीमतों का इख्तियार इनपुट्स के हाथ में है और इनपुट्स की कीमतों का इख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। और मैं कंज्यूमर एसोसिएशन का, इन सब का मैं एहतराम करता हूँ, कम अज कम ये हमारे साथ बैठे ये समझने की कोशिश करें कि मुर्गी और अंडे की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और हम उस पर काम करें। देखिये मैं आपको एक बात बताऊँ, एक तो सबसे बड़ी अहम वजह है कि जानवर की नस्ल कशी, उसके बाद जो चारा हम पैदा कर रहे हैं वो 45-50% अपनी जरूरत का चारा पैदा कर रहे हैं, और चोकर, अल्फा अल्फा हे, भूसा, ये सब मिडल ईस्ट से एक्सपोर्ट कर देते हैं। और जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है तो यकीनन उसका इंपैक्ट आता है दूध पे, अंडे पे, मुर्गी पे, तो उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो उसका इंपैक्ट अवामुन्नास पे आता है। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन सर कितनी बड़ी है कि दूध की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, कितनी बड़ी है आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन? इस वक्त 191.49 रुपए फी लीटर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है एट फार्म गेट। और यकीनन इस माह डेयरी फार्मर्स मीटिंग कर रहे हैं दूध की कीमतों में इजाफा करने के हवाले से, मुमकिन है कि कीमतें मजीद बढ़े। अभी अभी कीमत क्या है सर दूध की और अब कितनी बढ़ाने का कह रहे हैं? 130 रुपया लीटर रिटेल है जो शहर में फरोख्त हो रहा है। 130 रुपया जी जी, 130 रुपीज रिटेल है और 110 रुपीज जो है वो हम दे रहे हैं, 110.93 रुपए जो डेयरी फार्मर है एट फार्म गेट दे रहा है होलसेलर्स को। तो यकीनन हमें जो है ना इस पे काम करना चाहिए। और अभी कितना बढ़ाने का कहा गया है? तकरीबन 20 रुपए लीटर का है इसमें जो मशावर जाए, यानी कि अब दूध मिलेगा 150 रुपए फी लीटर। जी जी, और सरकारी कीमत क्या है सर? मशावर जारी है सर, सरकारी कीमत क्या है दूध की? 94 रुपीज पर सर, 94 सरकारी कीमत है, आप दे 110.93 पैसे, आगे मिल रहा है 130 रुपए, अब ये मजीद बढ़ जाएगा 150 रुपए। आपने कहा हमारा काम ही नहीं है, काम ही इनपुट का है, लेकिन कीमतें तो आप बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं देखिए जी, आप समझ नहीं रही हैं। अच्छा। मैडम आप मेरी बात को, इनपुट्स की कीमतें कम करने का अख्तियार वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में है। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की, देखिए चोकर और भूसे की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे, अल्फा अल्फा हे, साइलेज, इनकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दे, हम दूध 20-20 रुपए लीटर कम कर देंगे, उसमें कौन सा? तब भी आप सिर्फ 20-20 लीटर कम करेंगे, चले ठीक है, आपका पॉइंट आया। कौकब इकबाल साहब, ये क्या करें अगर चारा जो है वो जाहिर नहीं मिल रहा या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं कि ये रीजंस हैं, आप हमसे बैठ के बात तो करें, इसलिए हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकारी कीमत उन्होंने खुद बताई कि 94 रुपए है फी लीटर। देखिए शाकिर गुज्जर साहब, जब भी कमिश्नर कराची के इजलास तलब किया जाता है, शाकिर गुज्जर साहब खुद उसमें से गायब हो जाते हैं। इनकी जो पुरानी बगल बच्चा तंजीमें हैं वो वहाँ पे नुमाइंदगी का हक अदा कर रही होती हैं। और मैं सबसे पहले ये बताऊँ कि मैंने ये कहा था कि जो इसकी कीमत आप देखें 43 अरब रुपए इन्होंने निकाल दिए, कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है ये, मैं खुद नहीं कह रहा, मैं तो चीख रहा हूँ पहले से, जब 94 रुपए का हुआ, इनकी लागत क्या है? इनके स्कूलों का खर्चा उसमें डाला हुआ है, इनके नौकरों का खर्चा उसमें डाला हुआ है। स्कूलों का खर्चा क्या मतलब सर? उसमें डाला हुआ, सुन तो लें पहले एक बात को। हाँ। आपने शंकर की आवाज सुन ली, मेरी भी आवाज सुने सर, मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, स्कूलों का खर्चा क्या मतलब जी? स्कूलों का खर्चा मैं समझी नहीं आपकी बात। स्कूल की फीसों का खर्चा, अपने बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं उसके भी खर्चा इसमें लगाया हुआ है। अच्छा। लागत झूठ बोल रहे हैं सर। और फिर दूसरे सवाल का जवाब मुझे दें, जो मैंने कहा कमिश्नर कराची की के इजलास में कि ये बताएं कि कराची में कितना खालिस दूध मिल रहा है। आप दूध जो पीते हैं वो आप अपनी सेहत के लिए पीते हैं, मुजरे सेहत दूध, मिलावट शुदा दूध, और उसको मैंने कहा कि सिंध फूड अथॉरिटी से सैंपल ड्रा किया जाए और सैंपल लेके ये चेक किया जाए कि कराची के हर इलाके में
जिस तरह पंजाब फूड अथॉरिटी दूध के सैंपल चेक करती है। हाँ तो फिर यहाँ भी चेक किए जाएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वक्त की कमी है, जरा मैं गुज्जर साहब से आपके सवाल का जवाब ले लूं। गुज्जर साहब, आप कमिश्नर कराची की मीटिंग्स में क्यों नहीं होते और ये दूध मिला पानी आप हमें देते हैं इतनी महंगी कीमत में क्यों? असल में जी देखें, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो फोकल पर्सन हैं, एसोसिएशन के फोकल पर्सन उसमें मीटिंग्स में मौजूद होते हैं और बाकायदगी से वो तमाम चीज़ों के अपने हुकूक अदायगी में जिम्मेदार हैं। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने स्कूल फीसिस की बात की तो इनकी गुफ्तगू का कौकब इकबाल साहब की कोई सर पैर ही नहीं है। देखिए वो तो इन रिटर्न कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पेश करते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, अखराजात और कंसनट्रेट, ये तीन चीज़ें उसके अंदर होती हैं। स्कूल की फीसें नहीं जाती उसमें? नहीं, ये तो सराहनीय है, इनके गुफ्तगु को कोई सर पैर ही नहीं है। ये बात करें और जो बात की गई फूड अथॉरिटी के हवाले से, देखें ये दूध की कीमतें और दूध में जो मिलावट है वो दो अलग मामले हैं। दूध के देखें सिंध फूड अथॉरिटी बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करें उसके ऊपर, और हम यकीनन हम साथ देंगे अगर कोई इस किस्म की मिलावट करता है, जाली दूध बेचता है। ये तो आप खुद भी पता चलवा सकते हैं। हम सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखें आधे से ज्यादा कराची को तो मिलावट वाला दूध ही मिलता है। पानी मिला दूध जो कि मुजर सेहत दूध होता है वो इतनी महंगी कीमत में मिल रहा है, तो आप भी इस बात का तायुन कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज को। कराची शहर में इस वक्त पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा खालिस दूध जो है वो कराची शहर में, 95% दूध खालिस दूध शहर के अंदर फरोख्त हो रहा है, 98% दूध। मैं सही कह रहा हूँ, इसके मुतालिक सर्वे किया जा सकता है। देखिए सिंध फूड अथॉरिटी मौजूद है, वो कार्रवाइयां कर रही है जो जाली दूध फरोख्त करते हैं। वो तो कह रहे हैं करी नहीं रही है, कॉकर साहब लास्टली मुझे बता दें, वो कह रहे हैं सिंध फूड अथॉरिटी बिल्कुल कार्रवाइयां कर रही है, कर रही है कार्रवाइयां? मुजरे सेहत दूध बेचा जा रहा है, महंगा तरीन दूध बेचा जा रहा है कराची, मनमानी कीमत। कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट है, 47 अरब रुपए एक साल में हमारे सार्फिंग की जेब से निकाल लिए, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत की रेट कायम नहीं है, हुकूमत जो है वो सिर्फ वहां पे कोरोना के में दुकानें बंद करा सकती है, दूध की एक दुकान में नहीं बंद कराई, दूध वाले की एक दुकान, कितने डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की हुकूमत ने। मैं कहता हूँ इस हुकूमत से इख्तियार लेने, एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।